देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ताजबाग में अब्बू गैंग पर हफ्ता वसूली का मामला। विमान पायलट को दिल का दौरा पड़ा, नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बाघ का शिकार करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। ताजबाग के कुख्यात गुंडे अबू खान द्वारा अपने परिजन व साथियों की मदद से करोड़ों की जमीन कब्जा कर हफ्ता मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अबू सहित 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इस कार्रवाई से ताजबाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों में फिरोज खान उर्फ अबू, उसका भाई शहजाद खान, अमजद खान, जाकिर खान, सलीम खान, एका खान, साथी नूर सुबा कौसर, शहजाद खान, मोहम्मद हारून अब्दाल सत्तार तथा छोटू खान उर्फ कबाड़ी वाला भी शामिल है। पीड़ित फिरदौस खान उर्फ रानू के 3 प्लॉट है। अबू गैंग ने रानू से 2009 में प्लॉट खरीदने का सौदा किया था। उन्होंने रानू और साथियों के साइन लिए, इसके आधार पर प्लॉट पर कब्जा ले लिया। तीनों प्लॉट की कीमत आज करोड़ों में है। रानू अब अबू के घर पैसे मांगने के लिए गया तो तलवार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इससे रानू डर गया। अबू और उसके परिवार का ताजबाग परिसर में दबदबा होने से रानू शांत हो गया था। उसने गत दिनों पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को इसकी शिकायत की थी। सकरधरा पुलिस ने प्रकरण की जाँच कर शुक्रवार को आरोपियों पर केस दर्ज किया है। दूसरी खबर, मस्कट से ढाका जा रहे बांग्लादेश के एक विमान के पायलट को बीच में ही दिल का दौरा पड़ने के बाद विमान को नागपुर हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा। शुक्रवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बोइंग 737 विमान जिसमें 126 यात्री सवार थे, सुबह 11:45 पर कुछ समय पहले लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी गई और पायलट को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा आपात स्थिति तब हुई जब विमान छत्तीसगढ़ के ऊपर से उड़ रहा था और इसने प्राथमिकता लैंडिंग के लिए कोलकाता हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया। अधिकारियों ने कहा कि एटीसी की तरफ से सुझाव दिया कि यह नजदीकी एयरपोर्ट नागपुर में उतरने की कोशिश करे। तीसरी खबर, बाघ व जंगली जानवरों का शिकार मामले में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो व वन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवलापार वन परिक्षेत्र अंतर्गत पिंडकापार गांव में छापामार कार्रवाई कर आरोपी रोशन नंदलाल उइके व नर्मद पुन्नू कोडवते को उनके घर पर छापामार कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 2 भरी हुई बंदूक, हिरन के 5 सींग, 1 जंगली सुअर के खोपड़ी व 1 धारदार छुरा बरामद किया गया है। 24 अगस्त को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो व मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम ने बाघ की अस्थियों के साथ बालचंद हिरेश वरकड़े नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में हिरेन ने रोशन व नर्मद के साथ मिलकर बाघ व अन्य जंगली जानवरों का शिकार करने की बात कबूली। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे।